हे गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग गाइज? आज हम लोग देखने वाले हैं आरिफ राजा ब्लॉग्स चैनल से एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है ये। मनी मिराज के लिए दीवान की ऐसी कि सीने पर बनवाया टैटू, मनी मिराज वाइंस आरिफ राजा ब्लॉग्स। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड अभी तक तो खेसारी लाल भैया के लिए दीवानगी हम लोग ने देखी थी, है ना, कि सौम्या पोखरियाल ने अपने हाथ पर टैटू बनवाया था, पूरा उनका फुल फेस एक। एंड अभी मिराज भैया का भी, मतलब देख रहे हो यार, क्रेजीनेस देख रहे हो, ओ माय गॉड। सो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं एंड इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, सलाम आदाब, मैं हूँ आरिफ राजा और आप सब देख रहे हैं आरिफ राजा ब्लॉग्स। भाई, आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो मिराज भाई के दीवाने नहीं, बहुत बड़े दीवाने हैं। अभी तक हमने सलमान खान, शाहरुख खान, खेसारी लाल यादव के फैन को देखा है। आज हम मिलने जा रहे हैं मिराज भाई के बहुत ही जबरे फैन। चलिए, आप सबसे रूबरू करवाएंगे उस इंसान से। काफी, मतलब दिल से देख के एकदम काफी भावुक हो चुका हूँ देखने के बाद। आज मैंने सुबह देखा था उस चीज को तो मुझे रियल नहीं लगा, और उसके कुछ क्षण बाद उस इंसान से आज मैं मिला हूँ और वो इंसान मेरे साथ है। देख के मेरा मन काफी प्रसन्न हो चुका है। चलिए, उस इंसान से होता ही है यार, विश्वास सा नहीं होता। तो चलिए, अब उस इंसान से मैं आप सबको मिलवाता हूँ जो मिराज भाई के बहुत ही जबरा वाले फैन है। वो हमारे ऑफिस पे आ चुके हैं, अभी मिराज भाई नहीं है, उनको मैं बुलवा के इनसे मिलवाऊंगा। तो चलिए, उस इंसान से रूबरू करवाते हैं। तो ये देखिए, यही वो भाई है जो मिराज भाई के काफी बड़े फैन है और जिन्होंने अपने सीने पे मिराज भाई का टैटू बनवा रखा है। तो चलिए, इनके बारे में जानते हैं। क्या नाम? बड़ा ही प्यारा टैटू बनाया है। तो ये सुभाष जी है और ये मिराज भाई के बहुत बड़े फैन है। कहाँ से हैं आप? कुवाई का किस जिले में पड़ता है? मुजफ्फरपुर। तो ये देखिए, मुजफ्फरपुर के कुवाई से आए हुए और ये मिराज भाई के कितने बड़े फैन है इससे पता चलता है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ही बड़े बड़े स्टार का देखा है, सलमान खान, खेसारी लाल यादव, तो बहुत सारे स्टार का देखा। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई मिराज भाई के इतना जबरा फैन, डायहर्ड फैन। देखिए, जिन्होंने अपने सीने पे टैटू गुदवा रखा है मिराज भाई के नाम का, क्या कहना चाहेंगे? कब से देख रहे हैं मिराज भाई? टिकटॉक से देख रहे हैं। ये, मतलब ये कभी ये बनवाया टैटू तो कुछ घर वाले या कहीं कोई कुछ बोला नहीं है? बोला, हम किसी को बात नहीं, अपना। तो ये देखिए, इतने क्या इनके बारे में बोलूं, कुछ लफ्ज मेरे कम पड़ जा रहे हैं। पहली बार थोड़ा सा स्माइल करो। मैं एक छोटे से शहर से हूँ और यहाँ से मिराज भाई निकले और का इतना बड़ा जबरा फैन देख के मन काफी खुश हो चुका है। तो मिराज भाई भी आ चुके हैं और मिराज भाई भी अभी इनसे मिलने वाले हैं। तो चलिए, मिराज भाई को मिलवाते हैं इनसे, तब तक आप लोग बने रहिए। तो देखिए, यहाँ मिराज भाई भी आ चुके हैं और भाई भी है। देखिए, तो दोनों आज एक मिल चुके हैं। तो मिराज भाई से मिलने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बार मिलने की भैया से कोशिश किया, कई बार आया नहीं मिलता है, और फाइनली आज ये मिल चुके हैं। तो चलिए, मिराज भाई की बात करते हैं। मिराज भाई, अभी तक हमने देखा है काफी बड़े बड़े स्टार के फैन थे और काफी पागलपन देखे। पहली बार हमने किसी के आपके लिए इतना बड़ा दीवार की, क्या कहना चाहेंगे इस भाई के लिए? इसके लिए तो मेरे पास कोई फायदे नहीं है। देखिए, भाई का प्यार है और लोगों का टैटू बनवाना बहुत बड़ी बात है। भाई अपने ये सीने पे दिल पे अपना टैटू बनाया है मेरा चेहरा, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना सारा प्यार मिलता है लोगों का। और क्या कहूँ, मेरे पास बहुत बता दिया कि मेरे पास कोई अभाज नहीं। मैं स्टेटस में देखा था इनका, जैसा हम लोग कल बुकलेट मिला था, यही बोला जाए चलिए, आप मिल चुके हैं तो बहुत भाई से मिलके काफी ज्यादा अच्छा वाला फील आ रहा है। और क्या बताए इनके दीवानगी के बारे में, जो भी बोला जाए बहुत ही कम है। चलिए, आगे मिलते हैं मिराज भाई। अरे भैया, आप शर्ट पहना दो उसको। इनके बारे में तो आप सब जान ही गए हैं। सुभाष जी, तो क्या कहना चाहेंगे सचिव भाई इनके लिए? काफी देख सकते हैं कि सीना पे टैटू करवाए गए हैं मिराज भाई का, तो काफी बहुत बड़े फैन हैं। और इनका हम कल ही फोटो देखे थे और ग्रुप में भी शेयर किए थे,
और ये आज मिलने भी आ गए, तो देख सकते हैं ये रियल है ना कि फेक है, और रियल में मिराज भाई का ही टैटू बनवाए हुए हैं और काफी ज्यादा बड़े फैन लग रहे हैं भाई। और लग रहा था कि नहीं टैटू नहीं है, मतलब ऐसे ही मतलब मजाक है, स्टार्टिंग में हमने जब भी ये थोड़ा फेक ऐसे यकीन नहीं हुआ। आज मैं जब सडनली सुबह बंटी हमें बताया तो मैं भी काफी चौंक गया था। सुबह बंटी दिखाया, शॉट अटैक करते सच में ये टैटू है रियल में, बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना प्यार कर रहे हैं हम लोगों से और बहुत बढ़िया है इसी तरह प्यार भाई। तो क्या कहना चाहते हैं सुभाष जी, आज अपने जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं उनसे आपकी मुलाकात हो रही, कैसा लग रहा है मिलकर? हमको मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो नर्वस है यार, उसको दिखाई दे रहा है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है ज्यादातर। सबसे पहले तो बहुत इतने एक्साइटेड है कि मतलब टू मच एक्साइटमेंट एंड टू मच नर्वसनेस। मान लो अगर हम किसी के चाहने वाले अचानक से सडनली उनसे मुलाकात हो जाती है, इतना प्यार मतलब मेरे पास वैसे लफ्ज नहीं हो पाते कि हम क्या कह पाए, क्या बोले, क्या करें, मतलब उस समय समझ में नहीं आता क्या बोले भाई। सब कुछ भाई का प्यार है, बोल नहीं पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, फिर अगली बार आइएगा तो बोलिएगा। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड मतलब भाई वो चेहरे से दिख रहा था वो बंदा सुभाष भैया, ठीक है, वो इतने ज़्यादा नर्वस थे, जैसे एक होता नहीं है अपने फेवरेट स्टार से जब आप मिलो तो ओह माय गॉड, मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था यार जब मैंने फर्स्ट टाइम मिराज भैया से बात की थी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ वाकई मैं बात कर सकती हूँ रियली तो कोई बात नहीं, लेकिन ये था कि हाँ उनके चेहरे पे जस्ट एकदम चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, भाई दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन उस टाइम बोलते क्या हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या मुंह से निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आता मतलब यार मुझे भी समझ में नहीं आया था कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बक रही हूँ उस टाइम, और मतलब मुझे क्या बोलना चाहिए ठीक है, लेकिन ये होता है जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करो या किसी इंसान से मिलो जिसको आप काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हो, है ना, और उसके बाद अगर आपसे वो बिल्कुल एकदम कैजुअली नॉर्मल तरीके से मिले, देन शब्द नहीं होते हैं आपके पास कि हाँ थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। सब लोग जो पूरी टीम के लोग थे, खासकर यहाँ पर आरिफ भैया, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल दिखाई दे रहे थे, वो व्लॉग की शुरुआत ही उनको ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनकी आँखें छलक पड़ेंगी, मतलब इतना ज़्यादा इमोशन वहाँ पर दिख रहा था, है ना। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये व्लॉग, एंड वाकई यार अपने परिवार से लड़ झगड़ कर उसके बाद किसी ऐसे इंसान का टैटू बनाना जो आपके परिवार का नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए सब कुछ है, मतलब किसी का फ़ैन होना यही तो होता है यार, कि आप दूर रहकर ही उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हाँ वो आपके दिमाग पर हमेशा छाया रहता है ना। सो ये बहुत एक अच्छा जेस्चर मुझे लगा जो काफ़ी अच्छा इन्होंने सुभाष भैया ने अपने साथ किया। एंड टैटू बनवाना वाकई यार एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक होता है सेमी परमानेंट टैटू होता है, ठीक है, एक होता है परमानेंट टैटू, आजकल तो काफ़ी टाइप के टैटूज़ आ गए हैं, आप सेमी परमानेंट टैटू भी बनवा सकते हैं जो कुछ टाइम में 6 महीने साल भर के लिए 2 साल, ठीक है, इसमें उसके बाद वो छूट जाते हैं, देन लेकिन एक बहुत पुराने टाइम से चला रहा है परमानेंट टैटू, है ना, और उसको बनवाने में दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एंड दाद देती हूँ यार इन भैया की जो इन्होंने इतना टाइम बैठ के वो पूरा फेस अपना बनवाया होगा, है ना, अपने सीने पर, एंड मतलब इतना दर्द झेला होगा क्योंकि वो परमानेंट टैटू है, साफ साफ दिख रहा है, सेमी परमानेंट टैटू दिख जाता है कि वो अलग होता है, लेकिन ये जो परमानेंट टैटू इन्होंने बनवाया ना, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। सो आई लव दिस वीडियो एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन भी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही यार अपने चाहने वालों को, अपने मतलब आप जिससे भी प्यार करते हैं, आप जो भी आपका फेवरेट सेलेब हो, ठीक है, उसके साथ अपना प्यार बनाए रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ सब लोग अपने सीने पे या हाथों पे टैटू लेकर घूमो, लेकिन हाँ अपना प्यार आप अपने सेलेब को दे सकते हैं और वो हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।